है कि नहीं? ये भी एक अजीब बात, ज़्यादातर लोग कहते हैं कि रियाज से इश्क करो, रियाज से प्रेम करो, और इस वीडियो का टाइटल है भाई कि रियाज से दुश्मनी कर लो। लग रहा होगा कि कुछ अटपटी बात कहने जा रहा हूँ, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक मनोवैज्ञानिक तरीका है आपके रियाज में क्षमता बढ़ाने का, आपके रियाज में समय बढ़ाने का। तो क्या है वो तरीका और क्या इस सेंटेंस का मतलब बनता है कि रियाज से दुश्मनी कर लो, कुछ कहानियों के माध्यम से, कुछ एग्जांपल्स के थ्रू मैं आपको ये बात समझाने जा रहा हूँ। आपके रियाज में डेफिनेटली वृद्धि होगी, आपकी संगीत में लगन में वृद्धि हो जाएगी। ये पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। काम की बात मैंने की ही नहीं, काम की बात मैंने की ही नहीं। तो मेरे ख्याल से अब तक तो आप लोग मुझे जान ही चुके होंगे कि शेर व शायरी से शगफ़ मेरा कुछ ज़्यादा ही है, दिलचस्पी कुछ ज़्यादा ही है। तो अहमद फराज साहब का एक शेर है, उसी से मैं ये बात शुरू करने जा रहा हूँ कि उम्र भर कौन निभाता है ताल्लुक़ इतना, उम्र भर कौन निभाता है ताल्लुक़ इतना, ए मेरी जान के दुश्मन तुझे अल्लाह रखे। ताल्लुक़ यानी संबंध, रिश्ता। तो भैया इतनी उम्र भर तो दोस्त भी साथ नहीं रहते, लेकिन तू मेरी जान का दुश्मन था और आज तक मेरे साथ है, तुझे ईश्वर रखे, यानी तेरा ईश्वर भला करे कि नेगेटिव ही सही, मगर तूने मुझसे एक रिश्ता रखा। ये वो बात है जो मूल है और ये वो बात है जो सीखने की है इस शेर से कि नेगेटिविटी में कुछ ज़्यादा ही ताकत होती है, पॉजिटिविटी बट ऑफकोर्स उससे भी ऊपर होती है, लेकिन जब किसी चीज़ से दुश्मनी की जाती है ना तो निभाई जाती है। दोस्त तो ये वो सब दोस्त हैं, ये भी दोस्त है, वो भी दोस्त है, और दोस्ती उतना कोई दोस्ती को तवज्जो नहीं देता, ऐसा क्यों है? इस पहले तो मैं ये वाक़या सुनाता हूँ जहाँ से ये फ़िलासफ़ी निकली। मेरे पिताजी, पिता गुरु जो हैं पंडित अवध किशोर पांडे, उन्होंने मुझे ये चीज़ समझाई है और यही चीज़ उन्होंने मुझे सेलिब्रिटीज़ के लिए भी कही है, यानी जिनको आप बहुत ऊँचा मानते हैं ना, स्वाभाविक है, इंस्पिरेशन मानते हैं आप, एस्पायर होते हैं उनकी तरफ कि आप यार सोनू निगम साहब जैसा बनना है, अरिजीत सिंह साहब जैसा बनना है, गुलाम अली जी जैसा बनना है, या मोहम्मद रफ़ी साहब को बहुत मानते हैं, किशोर कुमार साहब को बहुत मानते हैं, तो जो आपके आइडल्स हैं उन्हें कंपटीशन बना लो। ये भी एक अटपटा थॉट है, इस पर तो मैंने बहुत अरसे पहले एक वीडियो दिया भी था, ये भी मेरे पिताजी ने ही हमें एक शिक्षा दी है। अब ये किस तरह से जाती है उस पर थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखिएगा, फिर इस पर अपना कोई मत रखिएगा। आई नो ये एक बार को सुनने में बड़ी अजीब बात लगती है, तो सुनने में आपको लग सकता है यार कैसी अटपटी अजीबोगरीब बात कर रहा है, बड़ी घमंडी बात कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, इट्स ऑल साइकोलॉजिकल, पूरा मनोवैज्ञानिक है ये, देखिएगा। तो ये वाक्य कहाँ से शुरू होता है कि एक गांव खेड़े में मेरे पिताजी गए थे और वहाँ एक पंडित एक पूजा कर रहे हैं, है ना, तो वहाँ एक फ़कीर गुजरते हैं वहाँ से, तो वो बोलते हैं कि उस पंडित को ताना कस के बोलते हैं कि अरे तू क्या पूजा करता है, तू क्या भक्त है, भक्त तो मैं हूँ, मैंने भक्ति से दुश्मनी कर रखी है। तो ये बात सुनने में पिताजी को भी बड़ी अजीब लगी कि यार भक्ति से दुश्मनी कर ली, मतलब ये तो बड़ी अटपटी चीज़ है भाई, भक्ति तो प्रेम की भावना होनी चाहिए, सद्भावना होनी चाहिए, आप भक्ति से दुश्मनी कैसे कर रहे हैं, मैं तो भक्त हूँ, मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है वो। फिर पिताजी ने ज़रा इस पर सोचा और फिर उनका एक एग्ज़ाम्पल उन्होंने निकाल के दिया कि रावण से बड़ा भक्त श्री राम का कोई नहीं था, कि उसने जी जान लगा दी, कुछ भी कर लिया, लेकिन वो रिश्ता नहीं तोड़ा, एक रिश्ता बनाए रखा कि अब दुश्मनी निभाई है तो पूरी करेंगे। तो वो एक नेगेटिविटी की जो ताकत है, यानी अब वो बिना करे नहीं मानेगा। तो रियाज से अगर आप दुश्मनी कर लेते हैं तो फिर बिना करे आप मानते नहीं हैं। दोस्ती में तो थोड़े बहाने आ जाते हैं, दोस्ती में थोड़े हाँ ठीक है किया किया ना किया, अरे दोस्त है कौन सा बुरा मान जाएगा, ये वाली चीज़ आ जाती है, लेकिन दुश्मनी आप अपनी तरफ से निभाते हैं। दोस्ती आप कभी कभार सामने वाले के लिए भी निभाते हैं कि यार उसे अच्छा लगेगा कर देते हैं, हैं, या मेरा वो फ्रेंड है या मैं उसके लिए करूँगा तो उसे अच्छा लगेगा, लेकिन दुश्मनी आप टोटली अपने लिए करते हैं कि मुझे अच्छा लगेगा। तो ये अगर फील आपका रियाज में आ जाए कि यार ऐसे कैसे, 4 बजे तो आज उठ के ही रहूँगा मैं, और मैं तो बस आज देखो कैसे करके दिखा देता हूँ इस रियाज को तुम्हें, तो ये जो नेगेटिविटी है, ये जो एनर्जी है बेसिकली, नॉट नेगेटिविटी, दुश्मनी मतलब नेगेटिविटी की बात नहीं कर रहा हूँ, नकारात्मकता की बात नहीं कर रहा हूँ, विचार आपका सकारात्मक ही है बट ऑफकोर्स, लेकिन कई बार आपने देखा एक हेल्दी कॉम्पिटिशन नाम की एक चीज़ होती है कि अगर दो लोगों में कॉम्पिटिशन है, दो साथ में सीख रहे हैं और एक जगह परफॉर्म करना है या एक चीज़ तैयार करनी है, तो आप अगर
उस लड़ाई में लग जाओ कि यार इससे बेहतर मुझे करना है, हैं मुझे आगे रहना है, तो आप ज़्यादा रियाज करते हो। नेगेटिविटी नहीं कि उसे नीचा दिखाना, इस पर एक सेपरेट वीडियो दिया था मैंने कि कंपटीशन की जो भावना है या दूसरे आर्टिस्ट की आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनको बिल्कुल भी ये नहीं कि मैं इससे ऊँचा और ये मुझसे नीचा है, ये बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस, खुददारी, आत्मसम्मान रखना चाहिए, लेकिन दूसरे को नीचे गिरा देना ये आपका मकसद नहीं होना चाहिए। तो इस ही में कैसे ये वाली बात फिट होती है कि रियाज से करनी है तो फिर दुश्मनी करनी है, अहे मेरी जान के दुश्मन तुझे अल्लाह रखे, क्योंकि वो उम्र भर निभेगा वो ताल्लुक अगर आपका दुश्मनी का है तो वो जो एनर्जी है ना आपके अंदर एक जोश पैदा करती है कि ऐसे कैसे नहीं यार, ये तो मैं हासिल करके रहूँगा। ये चीज़ अगर, ये भावना अगर आपके मन में है तो स्वाभाविक है आप रेगुलर रियाज करेंगे, आप बेहतर से बेहतर रियाज करेंगे, आज तो 2 घंटा करेंगे, आज तो 3 घंटा करेंगे, आपका समय में वृद्धि होती रहेगी। तो ये कुछ अजीबोगरीब बात है लेकिन मनोवैज्ञानिक है, आपके मानसिक स्थिति पर इसका असर आता है और आप जी जान लगा देते हैं कि ऐसे कैसे नहीं, आज तो इसको पूरा करके ही रहेंगे। ठीक है, तो दुश्मनी करिए रियाज से, दोस्ती मत कीजिए। एक हाँ, भले ही आप ये कहें कि अरे सब तो कहते हैं इश्क करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए, समर्पण होना चाहिए, वो सारी की सारी चीज़ें दुश्मनी में भी हो जाती हैं। पूरा समर्पण होता है जब आप किसी के प्रति दुश्मनी रखते हैं, तो पूरा समर्पण है कि अब तो कुछ भी हो जाए वो एक टारगेट मिल गया है, इसको तो अब मैं छोड़ूंगा नहीं, तो समर्पण ही तो है। आप कितने जी जान लगा देते हैं, जिद्दोजहद करते हैं, आउट ऑफ एफ क्या बोलते हैं उसको, आउट ऑफ कंफर्ट जोन जा के आप उसको परेशान करने के लिए उत्सुक होते हैं कि इसको मैं ऐसे नहीं तो ऐसे परेशान कर दूँ, प्लानिंग करते हैं। तो कितनी मेहनत लगती है जब आप किसी से दुश्मनी निभाते हैं और कितना डेडिकेशन लगता है कि नहीं। तो हम दुश्मनी से वो वाले पार्ट ले रहे हैं, न कि उसका बुरा कर देना, वो वाला एसेंस नहीं ले रहे हम दुश्मनी से। ठीक है, कि कितनी जिद्दोजहद हम कर देंगे, मेहनत कर देंगे उस जो टारगेट मिला है उसे हासिल करने के लिए। तो वैसी दुश्मनी कुछ आपके रियाज से होनी चाहिए, जो आपको काम मिल गया है अब उसको फिर पूरा करना है, मानेंगे नहीं कैसे ना कैसे करके उसको निपटा के छोड़ेंगे। तो ऐसी एक छोटी सी बात है, ये कुछ ज़्यादा लंबी बात नहीं है, छोटी सी एक फिलॉसफी अगर जो आप अपने माइंड में रख कर फिर रियाज करते हैं तो रियाज से जो दुश्मनी निभेगी फिर इस कदर निभेगी कि आप उम्र भर रियाज करेंगे, आप कभी छोड़ेंगे नहीं उसको, है ना। जल्द एक और वीडियो मैं देने जा रहा हूँ जिसमें छोटा सा ग्लिम्स अगर आपको अभी दूँ तो सिर्फ 5 मिनट का रियाज, उस पर आज अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, शुक्रिया।